लोकसभा चुनाव से पहले बरेली समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा। बरेली से आमला लोकसभा क्षेत्र तक जैसे पार्टी में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नीरू पटेल के साथ बितरी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह और उनके समाज सेवी भाई महेंद्र सिंह के अलावा पूर्व बरेली महानगर अध्यक्ष जफर बेग के भाजपा में शामिल होने से पार्टी सदमे में चली रही थी कि अचानक सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप और आमला विधानसभा महासचिव भूपेंद्र सिंह में मारपीट के घटनाक्रम ने समाजवादियों पे दो फाड़ के हालात पैदा कर दिए हैं। मारपीट के बाद गुस्साए जिलाध्यक्ष ने महासचिव भूपेंद्र सिंह को पार्टी से निष्कासित किया तो उनके समर्थन में बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफे दे डाले हैं। जिलाध्यक्ष के व्यवहार से नाराज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के तमाम कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है और ऐलान किया है कि अगर विधानसभा महासचिव भूपेंद्र सिंह का निष्कासन वापस नहीं हुआ तो वे सब पार्टी से किनारा कर लेंगे। समाजवादी पार्टी में महाभारत जैसे हालात तब नजर आ रहे हैं जब कुछ ही दिन में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से बसपा की टिकट पर विधायक रहे नीरज मौर्य को आमला सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक तो नीरज मौर्य के लिए आमला क्षेत्र नया है, उस पर जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप और दूसरे समाजवादियों के बीच चल रही आर पार की रार उनकी चुनावी तैयारियों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। दो दिन पहले आमला के एक मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन में मारपीट की जैसी घटना हुई, उसे लेकर पार्टी के वो नेता और कार्यकर्ता शर्मिंदगी के साथ सदमे में भी हैं जिन्होंने नेताजी मुलायम सिंह के समय से सपा को इस जिले में खून पसीने से सींचा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप और आमला विधानसभा महासचिव भूपेंद्र सिंह आपस में भिड़ गए। बताया गया है कि दोनों नेताओं में गाली गलौज के साथ मारपीट भी हुई। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने शराब पीकर गाली गलौज का आरोप लगाते हुए महासचिव भूपेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं महासचिव भूपेंद्र सिंह ने आरोप जड़े कि जिलाध्यक्ष खुद शराब के नशे में थे और उन्होंने साथी लड़कों के साथ मिलकर उनको पिटवाया, उन्होंने तो बस अपने बचाव में हाथ पैर चलाए थे। आमला विधानसभा महासचिव के सपा से निष्कासन की खबर जैसे ही आमला इलाके के समाजवादियों तक पहुंची तो तमाम कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठक कर अपने इस्तीफों की बौछार कर दी। सपा जिलाध्यक्ष द्वारा महासचिव पर की गई कार्यवाही के विरोध में इस्तीफा देने वालों में योगजन सभा के पूर्व महासचिव आकिल खान, सिरोली के पूर्व नगर अध्यक्ष शफीक अंसारी, शाहिद खान, गुड्डू सद्दाम अब्बासी, गुलवे तुलक, बाबू खान, नौसा सलमानी, गुलफाम खान समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल हैं। बता दें कि समाजवादी हाईकमान द्वारा मुस्लिमों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए पिछले दिनों बरेली महानगर के पूर्व अध्यक्ष जफर बेग ने भी अपने तमाम समर्थकों के साथ सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जफर बेग को भाजपा में शामिल कराया था। जफर बेग के पार्टी छोड़ने से सदमे में आई समाजवादी पार्टी को इससे भी बड़ा झटका जिले के प्रमुख राजनीतिक घराने बितरी के पूर्व विधायक स्वर्गीय बीरेन सिंह के भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह, उनके समाज सेवी भाई महेंद्र सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नीरू पटेल के साथ समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बरेली के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार को भगवा कैंप में शामिल कराया। देवेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह के भाजपा में शामिल होते ही आमला से मौजूदा सांसद एवं भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह इस परिवार की आमला लोकसभा क्षेत्र में सियासी ताकत बखूबी समझते हैं। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पवन विहार स्थित उनके आवास पर जाकर सभी का स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़ रहे नेताओं को रोकने की कोशिश करने की जगह सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप की दो दिन पहले आमला में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जिस तरह विधानसभा महासचिव भूपेंद्र सिंह से फिजिकली टकराव हुआ उससे पार्टी में रायता और फैल गया है। आमला इलाके से लगातार इस्तीफों की खबरें आ रही हैं। 50 से अधिक समाजवादी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने लामबंद होकर सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ऐलान किया है कि अगर विधानसभा महासचिव भूपेंद्र सिंह का निष्कासन समाप्त नहीं हुआ तो वे सब इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल आरोप प्रत्यारोपों के बीच आमला में समाजवादी पार्टी के अंदर तूफान और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। कश्यप समाज का जो वोट जुड़ा हुआ है पार्टी में पहले से, वो कश्यप समाज हमको मिल रहा है। शिवचरण कश्यप जी की वजह से कोई वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। वो अपना बूथ नहीं जीत सकते और ना जीते थे पहले कभी और ना आगे कभी अपना बूथ जीत सकते। जो भूपेंद्र सिंह के साथ हुआ है
वो जितने भी मतलब कार्यकर्ता सबके साथ हो गया, अकेले भूपेंद्र जी के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि जो साथी हमारा कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम कर रहा है उसके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो वो अकेले भूपेंद्र सिंह के साथ नहीं हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। और लगभग जो है 50 लोग हमारे साथी तैयार हैं, SC OBC, मैं SC का विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ और सेक्टर प्रभारी भी, तो सारे लोग इस्तीफा देने को तैयार हैं, या तो भूपेंद्र सिंह का निष्कासन वापस लिया जाए। जब कार्यकर्ता का निष्कासन वापस नहीं होगा तो हम काम कैसे कर सकते हैं, हम भी तो कार्यकर्ता हैं और भाई के साथ ही काम करते हैं, भाई सारे लोग हम भाई की तरह मिल के काम करते हैं। सबसे बड़ी कमी जो है हमारे जिला अध्यक्ष जी की रही, अगर हमसे कोई गलती होती है तो जिला अध्यक्ष जी को और भी लोगों के साथ बैठ के और उस चीज़ को उठाना चाहिए कि भाई आपकी यहाँ पे ये कमी थी, तो उस कमी को हम नहीं दोहराएंगे भविष्य में। लेकिन जो उन्होंने हमारे भूपेंद्र सिंह के साथ किया वो बहुत ही निंदनीय है, और केवल वो भूपेंद्र जी के साथ नहीं हुआ, मैं तो मानता हूँ मेरे साथ भी हो गया, क्योंकि मैं साथ काम कर रहा हूँ, हर कार्यकर्ता के साथ हो गया। इस तरीके का काम करेंगे तो हम लोग टीम में काम नहीं करेंगे, हम 50 लोगों की हमारी लिस्ट बन चुकी है और हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, बाहर से हम साथ रहेंगे। हाँ, ये अभी जो परसों मीटिंग हुई थी, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, तो उनमें जिला अध्यक्ष जो बर्ताव था वो अच्छा नहीं था, और इस तरीके से वो बर्ताव करेंगे तो पार्टी के हालात ख़राब हो जाएंगे। उन्हें कार्यकर्ता को प्यार मोहब्बत दें, उनको जो है समझाएं, बात करें और इसको जो है सुधारने की कोशिश करें, और जो वर्कर हैं वर्कर जो है बहुत मेहनती वर्कर हैं, उन्होंने ये कदम जो उठाया है तो बहुत ख़राब हो गया।